ये भोसड़ी वाले हैं, असल भोसड़ी वाले ये हैं, इनकी वजह से मुल्क की हालत ख़राब है, इनकी भोसड़ी वालों की वजह से। और कान कान देख के सहला रहा है, शर्म भी नहीं आ रही भोसड़ी वाले को। बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि इसके लिए डेमेंशिया हो जाता है, दिमाग की कमजोरी हो जाती है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसके साथ साथ पूरी बॉडी में पेन रहता है। हेलो जी, तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ। वेल, आज बहुत मौसम भी खूबसूरत है, सोचा कि क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। अभी बाहर जा रहा हूँ विलेज, तो व्लॉग बनाने के लिए वक्त की ज़रूरत नहीं है, व्लॉग बनाने के लिए किसी मौसम की ज़रूरत नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने ऐसे ही आ जाऊँ। तो आप लोग कैसे, ठीक ठाक मज़े में? तो यार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किया करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से बहुत जेलस होते हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि जेलस ना हूँ और वीडियो तो अच्छी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी गाड़ी रेडी है, जा रहे हैं विलेज, और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं वहाँ पे मिलते हैं, और बहुत अच्छा अच्छा मजा करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है। मेरे साथ हैं आसिफ भाई हैं, तो अभी हम जा रहे हैं विलेज और देखते हैं क्या होता है। आसिफ कहाँ गया? आसिफ कहाँ गया? कहाँ पीछे पीछे बैठा हुआ है, आगे बैठा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। आसिफ भाई कहाँ गए? कैसे हो? तबीयत कैसी है? चल रहे, बड़ा एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। चलो आ जाओ। ये दुनिया का अजीब किस्म का इंसान जो मेरा दूसरा भाई है, जो बिल्कुल मेरा हमशक्ल है। लोग बोलते हैं ये काशी है, लेकिन ये काशी नहीं है, ये कोई और ही भला है किस्म की। ये उठाओ सामान। ओ भाई, हाँ जी, हाँ हाँ उठा लो ना। ओए भाई, ओए भाई, उठा उठा ये अमजद का भाई है छोटा। कैसे भाई, तबीयत कैसी है? ठीक ठाक मजे में। इधर देखो, ओए इधर देखो, ओ भाई इधर देखो। फिर ये जो है ना, बहुत ही बेहतरीन इंसान है। इसके ये दोनों खड्डे, इसके ये दोनों कान है, देखो सुन के सरा है, देखो देखो हिला के सरा है। इसे पता है कि ये चूतिया है हाई लेवल का, ये है हमारी हुकूमत। ऐसे ही काम चलता है ना यहाँ पे, जैसे बैठना सुनना बोलना बिल्कुल भी नहीं है। ये भोसड़ी वाले हैं, असल भोसड़ी वाले ये हैं, इनकी वजह से मुल्क की हालत ख़राब है, इन भोसड़ी वालों की वजह से। और कान कान देख के सहला रहा है, शर्म भी नहीं आ रही भोसड़ी वाले को। तो अभी मैं पहुँचा हूँ घर, और यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत है। आपने अभी मिल लिया इससे हमारे मुल्क के सबसे बड़े अच्छे इंसान से। तो अभी मैं आया हूँ विलेज और बहुत मज़ा करने वाले हैं। और आसिफ भाई ने मुझे बोला कि यहाँ वीडियो शूट नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर मेरा चाचा का साथ होगा। बस क्या करें भाई, अपनी किस्मत अपनी मंजिल, और अपनी किस्मत अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे तो यही फटेगी हमारी। और जैसे कि मैंने बोला कि मेरा भाई आसिफ जो है बड़ा वो है मेंटली परेशान, हाँ वही है सच में है, तो उसी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर सकता। और मुझे बड़ा मसला ये है कि इन लोगों को मेरे बोलने का अंदाज़ अच्छा नहीं लगता, और ये बोलते हैं कि ये काशी की पानी कैसे बात करता है, हर बात में गाली होती है। कहाँ पर होता, मैं बहुत शरीफ बनता हूँ यार, मैं कभी मेरी गाली बोली है? ज़िंदगी में रहने के लिए क्या ज़रूरी है, लोड़ा नहीं, लोड़ा ही ज़रूरी है। लोड़ा होगा तभी काम चलेगा, वरना तो भाई तुम्हारी फट जाएगी ऐसे। क्या बोलोगे लोगों को, मेरे पास नहीं है, हैं?
मेरा छोटा सा विलेज है यहाँ पे, बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे, जो भी रहते हैं बड़े हरामी रहते हैं। इसकी शक्ल अच्छी तो है, काम की नहीं है बहन जी, कुछ और उठा रहा है। घर दर सुनाया आपने, मौसम बहुत ठंडी है और इस वक्त बहुत ही ठंड है भाई, कसम से बता रहा हूँ, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बाहर निकलने में डर लग रहा है। खैर यार, अभी हम पहुंच गए हैं घर और सच्ची में बता रहा हूं, विलेज में मैंने इसलिए वीडियोस नहीं बनाए क्योंकि वहां के लोग बोलते हैं कि मेरी वीडियोस बिल्कुल बेकार होती हैं, बोलते हैं बहुत गालियां देता हूं ये वो, तो मैं कोशिश करूंगा, कंफेस कर रहा हूं गालियां देता हूं ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ये गालियाँ ज़्यादा ना दूँ, अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। और बड़ी बात यह है कि आज हमारे घर में तैयब साहब आ गया है। तैयब कैसे हो? इधर इधर आओ, कैसे हो? ओए तैयब कैसे हो? इधर इधर आओ तैयब। तो अभी तैयब घर आ गया है लेकिन ये बात नहीं करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और आज सबसे पहला मेरा सवाल है आसिफ भाई से, बहुत ही खास, सब बोलते हैं भाई ये मास्टरबेशन के लिए आप क्या कर रहे हो, मतलब क्या है? अरे बाहर है, बाहर है जो मास्टरबेशन लोग करते हैं आजकल, लड़के करते हैं वॉशरूम में, खुद के रात को नाइट में कुछ भी करते हैं, उनके लिए आपका क्या? उनके लिए मेरे लिए बहुत कमेंट्स हैं। जी जी बताएं। कमेंट्स ये हैं कि भाई उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि इसके लिए डेमेंशिया हो जाता है, दिमाग की कमजोरी हो जाती है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसके साथ साथ पूरी बॉडी में पेन रहता है और वीकनेस, जनरलाइज वीकनेस हो जाती है, बॉडी पेन लाइफ टाइम थ्रेटिंग एक स्ट्रेस रहता है। अच्छा। तो इससे ये है कि आप जितना हो सके हेयर्स वगैरह गिरते हैं क्या? हेयर लॉस हो जाता है, मेरे बहुत गिरते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे भी गिरते हैं। आप दूर रहे बेहतर यही है। याददाश्त वगैरह जो होती है इसमें, हाँ मेडियम लॉस ऑफ मेमोरी होती है, मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। अच्छा। इससे बेहतर है कि आप दूर रहें, इतना वो आपके लिए बेनिफिट है। अभी आसिफ भाई ने बोला कि इस चीज़ में आप दूर रहेंगे तभी आपको फ़ायदा पड़ेगा, तो बड़ी बात यह है कि मेरे बहुत बाल बढ़ते हैं और ऊपर से याददाश्त भी मेरी बहुत कम है, तो कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें ना करें। और आपसे भी गुजारिश है कि ये रात को जाके ना मारा करो क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये काम करो लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी अदर, अगर अच्छा काम करोगे कि अच्छे चलेगी नहीं तो तुम्हारी पट जाएगी भाई, सच बता रहा हूँ। साहब जो हैं अभी वापस आ गए हैं लेकिन ये बता नहीं रहा। अच्छा मुझे ये बताओ, कराची में लड़कियाँ थी? कराची में लड़कियाँ थी? नहीं बता रहा, लड़कियां थी? हाँ बोल रहा है, बहुत सारी लड़कियां थी। कितनी पढ़ाई? 5 पढ़ाई। इतनी इतनी स्पीड में भाई, ये तो हमसे भी आगे जाएगा, ऐसे इनकी जनरेशन तो हमसे बहुत आगे है क्योंकि हम अभी तक वहाँ पे ही हैं, समझ रहे हो ना? हाँ वहाँ पे ही। वेल भाई बहुत ही अच्छे दिन हो और आज के दिन तो बहुत ही अच्छा है। खैर कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं वीडियो तो अच्छी नहीं बनाता, ठीक है भाई नहीं बनाता तो क्या करूं मैं, मेरे बोलने का वॉइस ही ऐसा है मिंचो कि मैं बोलता हूं गाली निकल आती है, ऊपर से मैं अभी सीरीज शुरू करने वाला हूं तो मैंने सोचा कि वो शुरू कर लूं, मतलब फिर भी ये लोगों के, खैर लोगों का काम नहीं कहना, वो सुना ना कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार लिखी बातों को,
कुछ बीत न जाए लम्हा, कुछ तो लोग कहेंगे। मुझे कभी कभी ऊपर आना पड़ता है इसे चलाने के लिए। अभी मैं थोड़ा तरक्की कर लेता हूँ, कभी कभी पाँव यूज़ कर लेता हूँ अपने। और ये टफ है यहाँ चलाना। वो क्या है कि अम्मी आती हैं सुबह को बंद करके जाती हैं, फिर मुझे बोलती हैं ताकि मैं ऊपर आऊँ और मेरी आँख भी हो जाए। पता नहीं क्या है इनको कसम से। बस हवा निकल गई। खैर मौसम बहुत प्यारा है और ऊपर से ठंड की जो मौसम होती है ना बारिश वाली, कसम से बहुत खतरनाक होती है। और अभी मैं सेकंड फ्लोर पे आया, क्या सेकंड फ्लोर पे आया हूँ, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ही खतरनाक बारिश है। बारिश का मौसम है, सॉरी है नहीं, सुबह हुई तो अभी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आज आप लोगों ने ये तो सुना ना भाई आसिफ से, डॉक्टर से, तो कि ये मास्टरबेशन बहुत गंदी चीज़ है, इससे मार मार कर तुम खत्म हो जाओगे, खत्म नहीं हो जाओगे। आजकल के लौंडे शादियाँ नहीं कर रहे भाई, सही बता रहा हूँ, वो बूढ़े शादी कर रहे हैं। चुप तो करो यार, अल्लाह के बंदे बस करो। आजकल क्या हो रहा है, बूढ़े बूढ़े शादियाँ कर रहे हैं और लोटे हम जिसके जिसकी उम्र है 24-20, वो शादियाँ नहीं करे, वो मुठे मारे भी। पर ये गलत गलत काम है और इनसे बचो, ये काम ना करो तो अच्छा है। और ये मैं खुद को भी एडवाइस दूंगा, अच्छी बात नहीं है। तो यार आज की वीडियो यहाँ पे कर दें कम्प्लीट। तो प्लीज़ 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 अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं किया अब तक तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना। और कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपका दिन कैसा गुजर रहा है। और लव यू ऑल।